In last video, I have discussed mechanical analysis in which two method apply. First is C analysis and second sedimentation analysis. Sedimentation analysis carried out for the soil if have size less than soil size less than 75 micron. A sedimentation analysis sometimes also known as weight mechanical analysis. And second important point, sedimentation analysis is based on Stokes' law. स्टोक्स ला हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड्स में. जब भी कोई बॉडी या कोई एक तरीका से सब्सटेंस है, अगर वह एयर में गिर रहा है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी जो मूव कर रही है किसी एयर में, वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है. उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पढ़े थे सीमांत वेग. तो वहाँ पे जो एयर में हम लोग कोई पार्टिकल अगर सेटल होने जा रहा है, और उसके लिए जो स्टोक्स ने जो भी लॉ बताया था, तो बिल्कुल सिमिलर है. अगर किसी सोयल वेग के अंदर अगर कोई सोयल है और उसमें अगर वेट कंडीशन में कोई सोयल और पार्टिकल सेटल हो रही है किसी कंटेनर के अंदर, जहाँ पे जो सोयल सॉल्यूशंस है वो वाटर से बना है, यानी इस तरह से सॉल्यूशन है सोयल का जो वाटर के अंदर मिक्सअप है, और कुछ टाइम के लिए अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो जो पार्टिकल सेटल होने जा रहा है, तो वाटर के केस में भी क्या होता है, जो पार्टिकल सेटल होने जाता है तो उसकी खुद की एक वेलोसिटी होती है. तो यहाँ भी स्टोक्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं. तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब भी हम लोग स्टडी करने जाते हैं, तो वहाँ स्टोक्स लॉ के जितने भी फार्मूले हैं या जो भी लिमिटेशंस होते हैं वो हम लोग फॉलो कराते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर. तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो आपका स्टोक्स लॉ है, यह बताता है कि अगर कोई पार्टिकल है और वह किसी कंटेनर के अंदर अगर सेटल होने जा रहा है, तो स्टोक्स लॉ ने बताया था कि स्टोक्स लॉ सबसे पहले कि जब भी पार्टिकल सेटल होने जा रहा है, तो जो आपका जो मीडियम होना चाहिए उसकी जो डायमेंशन होना चाहिए अनलिमिटेड होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए. जबकि ऐसा होता नहीं है. लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिमिटेशंस है. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल. तो अगर कोई आपका सोयल सस्पेंशन है और सोयल सस्पेंशन के अंदर अगर कोई पार्टिकल सेटल होने जा रहा है, तो बाकी जितने भी फैक्टर हैं अगर उसको हम लोग कॉन्स्टेंट अगर एज्यूम कर लें, तो उस केस में जो पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से वो सेटल होने जाता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वह जो भी साइज होगा पार्टिकल के या जो शेप होगी उस पर डिपेंड करती है, ना कि कंटेनर की डायमेंशन क्या है, यानी जितने भी अदर वेरिएशंस होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता. केवल इस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की शेप और साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इन इनफाइनाइट मीडियम व्हेन अज्यूम एज ए कॉन्स्टेंट ऑल द फैक्टर, देन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन साइज शेप एंड मास ऑफ द पार्टिकल. तो जब भी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस की स्टडी करने जाते हैं, तो स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या बताता है, कि अगर सेडिमेंटेशन हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो एक्चुअल हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं. सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग पढ़े थे कि यह मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर आता है. मैकेनिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि अगर फील्ड से कोई सोयल हम लोग लाएँ, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं. तो उस डिफरेंट डिफरेंट साइज को अलग करने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनालिसिस. तो कोई सोयल सैंपल है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की साइज उसके अंदर मिक्स है, उसको अलग अलग करने के हम लोग पढ़े थे दो मेथड होता है. एक तो होता है आपका सी एनालिसिस और दूसरा होता है आपका
सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो दोनों के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि अगर पार्टिकल की साइज किस रेंज में होगा तो हम लोग कौन सा एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो वैसे ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग पढ़े थे कि अगर पार्टिकल की साइज, यानी अगर फाइन ग्रेन सोयल है मोस्टली और साइज आपका लेस देन 25 माइक्रोन है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कोई भी एनालिसिस या मेथड, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अगर इस साइज की बात करें तो इस साइज में आपका जैसे सिल्ट आएगा, क्ले आएगा, कोलाइड्स आएगा, तो एक तरीके से फाइन ग्रेन सोयल आते हैं, सिल्ट सैंड को छोड़ दे तो सिल्ट और क्ले और कोलाइड इसके अंदर आते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग याद रखेंगे कि अगर सोयल की साइज आपका लेस देन 25 माइक्रोन है तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस आपका बेस होता है किस पे, स्टोक्स लॉ पे बेस होता है। और स्टोक्स लॉ होता क्या है, स्टोक्स लॉ होता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इन इनफाइनाइट मीडियम व्हेन ऑल अदर फैक्टर एक्ट एज ए कॉन्स्टेंट देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड ऑन साइज शेप एंड मास ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि पहले इसमें दो चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सोयल के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर सोयल में पार्टिकल की साइज लेस देन 25 माइक्रोन है तो हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस को क्या बोलते हैं, वेट मैकेनिकल एनालिसिस बोलते हैं। और मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर ही दोनों एनालिसिस हम लोग करते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग पढ़े थे सी एनालिसिस और सेकेंड हम लोग पढ़े थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सी एनालिसिस के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है तो वहां पे जो भी एनालिसिस या मेथड हम लोग यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए अलग अलग फ्रैक्शन को, वो होता है आपका सी एनालिसिस। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस वहां अप्लाई करेंगे जब आपका साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 25 माइक्रोन है तो वहां पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट आपका साइज ऑफ द सोयल। तो साइज ऑफ सोयल में याद रखेंगे कि अगर साइज ऑफ द सोयल क्या है, लेस देन 25 माइक्रोन है तो वहां पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और इसी को वेट मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वहां पे स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, वहां पे स्टोक्स लॉ अप्लाई किया जाता है। यानी जो भी पार्टिकल का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी सोयल सैंपल का, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है वेट मैकेनिकल एनालिसिस, तो वेट इन द सेंस कि यानी आपका एनालिसिस करने के लिए जो भी सोयल सैंपल होगा, चूँकि साइज बहुत उसका माइन्यूट होता है, साइज बहुत कम होता है, तो टेस्टिंग करना लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि पार्टिकल की साइज कम स्मॉल होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग के दौरान पार्टिकल आपका आँख में भी चला जा सकता है और हवा में जा सकती है। इसलिए वेट जो है, वेट की जो रीडिंग आएगी वो उसमें एरर आ जाता है। इसलिए जब भी हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले सोयल को क्या करते हैं, वेट कंडीशन में लाते हैं, जिससे क्या है कि पार्टिकल जो है या क्ले या कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं, फाइन एग्रीगेट के जो पार्टिकल हैं, वह आपका हवा में ना उड़े और आँख में ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट कंडीशन में लाते हैं। तो वेट कंडीशन में जब भी हम लोग लाएंगे, यानी वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे, तो पार्टिकल क्या होते हैं, वह बॉटम की तरफ सेटल होने के प्रयास करते हैं। तो जब सेटल होंगे तो सेटल होने के लिए यानी मूव करने के लिए कोई वेलोसिटी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ सबसे पहले अगर कोई पार्टिकल या बॉडी किसी एयर में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके लिए सबसे पहले बताया था और फार्मूला हम लोग वहाँ पढ़े थे, 6 ईटा आर करके। तो फिलहाल यहाँ पे तो हम लोग जो सोयल सैंपल है उसके रेस्पेक्ट में पढ़ना है। और किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई पार्टिकल सेटल होने जा रहा है या किसी कोई कंटेनर या जार है उसमें सोयल है और उसको हम लोग वेट कंडीशन में ला रहे हैं और किस वेलोसिटी से वो सेटल होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक मीडियम है। तो कंटेनर के अंदर सोयल सैंपल रहते हैं, उसमें उसको वेट कंडीशन में लाते हैं। तो वेट कंडीशन जब ले लाएंगे हम लोग तो सोयल पार्टिकल क्या होता है, धीरे धीरे सेटल होने लगता है बॉटम की तरफ।
जब सेटल होने लगता है तो उसकी वेलोसिटी यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करने लगता है, और उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी का नाम दिया गया है। और सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए वहाँ पे हम लोग स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में फर्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे कि किस तरह के सोयल के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी साइज क्या होती है। दूसरा, यह स्टोक्स लॉ पे अगर बेस है तो स्टोक्स लॉ होता क्या है। तो स्टोक्स लॉ ने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल किसी इनफाइनाइट मीडियम में सेटल होने जा रही है और उस मीडियम में उस सेटलिंग के दौरान अगर सभी फैक्टर जो हैं, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर और विंड का वेलोसिटी, अगर जितने भी बैरियर्स हैं या एक्सटर्नल एक्टिविटी हैं उसको हम लोग बिल्कुल ये मान के चलें कॉन्स्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सबको कॉन्स्टेंट अगर मान लें, तो जो पार्टिकल सेटल होने जा रहा है यानी वेट कंडीशन में जब हम लोग सोयल सैंपल को लाए हैं तो पार्टिकल क्या होगा, सेटल होने जाएगा। तो अगर पार्टिकल सेटल होने जा रहा है तो उसकी खुद की एक वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्म होगी, जिसको हम लोग नाम देते हैं सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल जो पार्टिकल है उस सोयल सैंपल के अंदर उसके साइज, शेप और उसके मास पर डिपेंड करता है। तो ये तो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी इसको हम डिनोट करते हैं वी सफिक्स में एस। तो वी एस टर्म स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी या वी एस इक्वल्स टू होता है, वी एस इक्वल्स टू गामा एस यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू। ये फार्मूला है। तो अगर हम लोग यहाँ से गामा डब्ल्यू कॉमन लेंगे, अगर गामा डब्ल्यू यहाँ से कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू माइनस वन और गामा डब्ल्यू बाहर आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू। इसको और सॉल्व करेंगे तो गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू को हम लोग लिखते हैं जी, कैपिटल जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड यानी जी माइनस वन, और ये आपका गामा डब्ल्यू डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला याद रखेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल। तो वी एस इक्वल्स टू होगा, तो वी एस इक्वल्स टू हो जाएगा जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, वेयर कैपिटल जी इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल। गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर और डी इक्वल्स टू डी साइज ऑफ पार्टिकल। डी मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल और म्यू मीन्स होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर तो हम पढ़े थे कि विस्कोसिटी भी दो टाइप की होती है, एक डायनेमिक एक काइनेमेटिक। तो जो हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वहाँ से जो आया था
न्यूटोनियन फ्लूड के लिए, वहाँ से जो भी कोफिशेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और इसकी ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर की अगर यूनिट देखेंगे तो ये यूनिट होता है आपका एमकेएस में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है एमकेएस पद्धति में, एसआई सिस्टम में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में अगर जाएंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉइज। तो पॉइज किसी यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करें, काइनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर तो ये आपका उसकी जो यूनिट होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसका होता है, अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और उसका सीजीएस में जब भी हम लोग यूनिट निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे स्टोक। तो फिलहाल इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी या फार्मूले में आता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी की हम लोग बात करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 पॉइज। तो रिलेशन याद रखेंगे न्यूटन, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज, और 1 पॉइज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 पॉइज इक्वल टू 10 पर टू द पावर माइनस 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में याद रखेंगे कि किस तरह के सोयल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सोयल होता है आपका फाइन ग्रेन सोयल होती है, और जिसकी रेंज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, लेस देन 25 माइक्रोन होना चाहिए। और इसको हम लोग वेट मैकेनिकल एनालिसिस बोलते हैं। वेट मैकेनिकल एनालिसिस करने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब भी हम लोग टेस्टिंग या एनालिसिस या मेथड अप्लाई करने जाएंगे तो सोयल सैंपल क्या करेंगे, वेट कंडीशन में लाते हैं। तो वेट कंडीशन में लाएंगे, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो बेस होता है यानी जो पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा फॉलो करता है आपका स्टोक्स ला। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ला हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई पार्टिकल है जो किसी इनफाइनाइट मीडियम में सेटल होने जा रहा है और बाकी अदर जो फैक्टर्स है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान ले, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल उस इनफाइनाइट मीडियम में सेटल होने जा रही है वह डिपेंड करती है पार्टिकल की साइज, शेप और मास क्या है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ला अगर हम लोग देखें टर्मिनल वेलोसिटी जो फार्मूला होता है जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सा टर्म क्या बोलते हैं। तो जी था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, गामा डब्ल्यू हम लोग पढ़ ही चुके हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी पार्टिकल साइज, और म्यू क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जिसकी एसआई सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइज। और ये भी रिलेशन पढ़ लिए, वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 पॉइज, रिलेशन होता है ऐसे ही। हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक। तो अगर समटाइम्स हम लोग कुछ वैल्यू भी इसका याद करके चलेंगे कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर म्यू प्लस टू होता है आपका 0.01 पॉइज।
ये होता है आपका, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0.01 पॉइज होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, विस्कोसिटी वाटर की क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटने लगती है, लेकिन गैस की अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ने लगेगी। और अगर इस केस में स्पेस की ग्रेविटी या सॉलिड पार्टिकल जी की वैल्यू हम लोग 2.65 ले लें, तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालेंगे देखेंगे जी इक्वल्स टू जी माइनस वन, तो 2.65 माइनस 1, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1043, और डी स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि पार्टिकल साइज अभी पता नहीं है, सोयल सैंपल में पार्टिकल साइज एग्जैक्टली है क्या, 18 म्यू की वैल्यू 0.01 पॉइज इसकी, तो 0.01 पॉइज पॉइंट को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10^-1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.89925 डी स्क्वायर। तो कभी कभी यह फार्मूला भी पूछ देता है, रिलेशन भी पूछ देता है, तो इसलिए यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको और मॉडिफाई करेंगे, राउंड करेंगे, तो यह आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.9 डी स्क्वायर, एंड वी कैन से टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इन mm, याद रखेंगे हमेशा इन mm। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है कि आप प्रूफ करिए कि जो सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी है वो पार्टिकल की जो साइज होती है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूफ करिए। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सेकंड अगर नोट की बात करें, सेकंड नोट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू होता है आपका 0.0855 पॉइज, ये वैल्यू होती है। तो इस केस में अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका टर्मिनल जो वेलोसिटी है वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.07। और चूंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ओवरऑल मीटर पर सेकेंड यूनिट आएगी, लेकिन जो साइज होगा वो mm में हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में, लेकिन डी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वह हमेशा mm में रखेंगे। इसके बाद लिमिटेशन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो ये आपका इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, और एक ही ट्यूब में की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगभग पूछा ही जाता है हर साल। तो फर्स्ट लिमिटेशन हम लोग बात करें, तो हम लोग पढ़े थे, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इन इनफाइनाइट
इनफाइनाइट मीडियम। तो जो स्टोक्स ला जो स्टोक्स साहब थे उन्होंने अगर यह कहा था कि अगर पार्टिकल जहां सेटल होने जा रही है वहां के जो मीडियम की डायमेंशन है, जो मीडियम की डायमेंशन क्या है, इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट डायमेंशन है। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग देखें तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जब भी हम लोग पार्टिकल को सेटलिंग कराना है या टेस्टिंग कराना है, यानी पार्टिकल को अलग अलग करना है, तो लैब में हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और लैब में अगर टेस्टिंग करते हैं तो किसी कंटेनर या जार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोयल का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सोयल का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्टोक्स ने बोला था कि इनफाइनाइट मीडियम में अगर कहीं सेटल हो रहा पार्टिकल तो जो इनफाइनाइट डायमेंशन का वो कंटेनर लिए थे वह गलत है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यह है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग पार्टिकल की सेटलिंग कराते हैं तो किसी कंटेनर में कराते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल इनफाइनाइट मीडियम। तो इनफाइनाइट उन्होंने बोला था, इनफाइनाइट मीडियम। तो इनफाइनाइट की जगह हम लोग एक्चुअल में क्या यूज करते हैं, कोई जार यूज करेंगे, तो जार या कंटेनर यूज करते हैं, कंटेनर। और यह क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होगा। तो डेफिनेट शेप इन द सेंस कि एक फाइनाइट, एक फिक्स क्या होता है, डायमेंशन होगी। तो यह गलत है। तो लिमिटेशन याद रखेंगे कि स्टोक्स ने बोला था कि जो सेटलमेंट हो रहा पार्टिकल का किसी इनफाइनाइट मीडियम में हो रहा, यानी जिसकी साइज क्या है उस कंटेनर की, इनफाइनाइट है, यह गलत है। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में कहाँ होता है, सेटलमेंट किसी जार में होता है, कंटेनर के अंदर होता है, और कंटेनर की साइज क्या होती है, फिक्स होती है, यानी फाइनाइट होता है, डेफिनेट कोई साइज होगी। तो फर्स्ट लिमिटेशन में याद रखेंगे। सेकंड लिमिटेशन यह था कि स्टोक्स ला जो पार्टिकल की बात कर रहे थे, जो पार्टिकल सेटल होने जा रहा है किसी मीडियम में, सोयल सॉल्यूशन में सेटल होने जा रहा है, अब वो उसकी जो शेप होगी वह स्फेरिकल होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ला द शेप ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इज स्फेरिकल अंडरगोइंग। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स जो था, स्टोक्स ला शेप, जो शेप था पार्टिकल की वो शेप क्या था, स्फेरिकल था, वो शेप क्या था, स्फेरिकल। अब हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में अगर साइज ऑफ पार्टिकल देखें ध्यान से, तो साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 75 माइक्रोन, और 75 माइक्रोन से कम इसमें सोयल क्या आएगा, इसमें सिल्ट आएगा, इसके अंदर क्ले आएगा और कोलाइड आएगा, ये आएगा। जबकि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं जो क्ले का जो सेफ होता है, क्ले या कोलाइड की जो सेफ होती है वो क्या होता है, फ्लैकी होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ला द सेप ऑफ पार्टिकल अंडर गोइंग सेटलमेंट इज एज्यूम टू बी स्फेरिकल, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द साइज ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉल लेस देन 25 माइक्रोन्स सच एज सील्ड क्ले एंड कोलाइड्स विच इज फ्लैकी इन नेचर। तो उन्होंने क्या बताया कि शेप क्या होता है, स्फेरिकल। जबकि अगर ये साइज हम लोग देखें तो इस साइज के अंदर ये सोयल आएगा और इस सोयल की जो शेप होती है क्या होती है, फ्लैकी होता है, फ्लैकी नेचर का होता है। तो सेकेंड आपका लिमिटेशन ये है शेप के बारे में। थर्ड अगर लिमिटेशन की बात करें, थर्ड लिमिटेशन तो साइज, तो थर्ड लिमिटेशन यह था कि स्टोक्स ला वैलिड होता है, यानी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे तो स्टोक्स ला अप्लाई करेंगे, तो स्टोक्स ला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पार्टिकल की साइज क्या है, फिक्स है। तो स्टोक्स ला वैलिड फॉर द सोयल हैविंग रेंज, द सोयल साइज, तो जो रेंज होगा वो रेंज क्या होता है, 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm तक होता है,
यानी सेडिमेंटेशन एनालिसिस में स्टोक्स लॉ किस रेंज के लिए अप्लीकेबल है, 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm तक अप्लीकेबल है। यानी सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब करने जाएंगे और उसके जो भी फार्मूले अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये कंडीशन है कि जो पार्टिकल की साइज होना चाहिए इस रेंज के अंदर होना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन यह था। फोर्थ लिमिटेशन यह है, अगर आपका पार्टिकल साइज, इफ साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 0.2 mm, अगर पार्टिकल की साइज 0.2 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो अगर ज़्यादा हो गया, ये कंडीशन हो गया, तो उस पर क्या लगने लगेगा, उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करने लगेगा, यानी ग्रेविटी फोर्स लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करने लगेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करने लगेगा तो जो पार्टिकल है जो सेटल होने जा रहा था, जो सेटलिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट मोशन होने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा, रैंडमली क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी अगर साइज ऑफ पार्टिकल सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर 0.2 mm से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी फोर्स काम करने लगता है। ग्रेविटी फोर्स लगने के कारण क्या होता है, जो मोशन होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है, जो मोशन होगा क्या हो जाता है, टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा। और टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, फिफ्थ अगर पॉइंट या लिमिटेशन की बात करें इन स्टोक्स लॉ, फिफ्थ पॉइंट, इस साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन, साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन अगर इस साइज के अंदर है तो इस साइज में क्या होगा, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो गया तो ग्रेविटी फोर्स तो काम नहीं करेगा, तो मोशन क्या करने लगता है, ब्राउनियन मोशन होने लगता है। तो ब्राउनियन मोशन जब होगा तो सेटलमेंट नहीं होगा, पार्टिकल, यानी वो ऊपर ही क्या होगा, मूव करते रहेगा, जिग जैग मूवमेंट मूव करेगा ब्राउनियन मोशन में, और नीचे क्या होगा, सेटल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में भी क्या करते हैं, होता है कि आपका स्टोक्स लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, नेक्स्ट हेडिंग। अब हम देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है अगर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने जाना है, जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में याद रखेंगे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैरिड बाय टू मेथड, फर्स्ट इज पीपेट मेथड, आइदर पीपेट और हाइड्रोमीटर मेथड। तो
सेडिमेंटेशन यहाँ से हम करेंगे क्या, वही सोयल सैंपल होगा उसको तो लेना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए, यानी उस सोयल सैंपल में डिफरेंट डिफरेंट जो साइज के पार्टिकल मिक्सअप हुए हैं उनको अलग अलग करना है, तो सोयल सैंपल लेंगे। तो सोयल सैंपल का क्या करते हैं, सोयल सैंपल जो भी लेंगे दोनों मेथड में सेम होगा। तो यहाँ पे सोयल सैंपल नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक वर्ड, नया वर्ड लोग यूज करते हैं, सोयल सस्पेंशन, नया वर्ड यूज करेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन, प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन, प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन। तो सोयल सस्पेंशन ये नया वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। सोयल सस्पेंशन मीन्स होता है सोयल सॉक्ड इनटू वाटर, सोयल सॉक्ड इनटू वाटर, यानी वाटर के अंदर सोयल अगर कोई है डूबा हुआ तो वो हम लोग सस्पेंशन कहेंगे, या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोयल, सॉल्यूशन ऑफ सोयल। तो एक तरीका से सोयल का एक जैसे हम लोग लस्सी का ग्लास देखे होंगे, तो लस्सी के ग्लास जैसा, यानी सोयल का अगर लोग कोई सॉल्यूशन बना दे रहे हैं तो एक तरीका सोयल का जूस समझ लेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोयल सस्पेंशन। तो जब भी हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने जाएंगे, तो चाहे पीपेट मेथड से हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं या हाइड्रोमीटर मेथड से अगर हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने जा रहे हैं, दोनों केस में क्या चाहिए, सोयल चाहिए। तो यहाँ सोयल हम लोग यूज नहीं करते हैं, सोयल सस्पेंशन बना के वही उसी के ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग इसके ऊपर हम लोग करते हैं, टेस्टिंग किसके ऊपर करेंगे, सोयल सस्पेंशन के ऊपर टेस्टिंग किसके ऊपर करेंगे, सोयल सस्पेंशन के। सोयल सस्पेंशन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ सोयल होता है, यानी सोयल के अंदर वाटर को मिक्स करके शरबत जैसा जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल सस्पेंशन। तो सोयल सोक्ड इन टू वाटर भी बोलते हैं, या मिक्सचर ऑफ द सोयल एंड वाटर भी कह सकते हैं। तो दोनों मेथड में जो हम लोग सोयल यूज करेंगे, तो सोयल नहीं सोयल सस्पेंशन जो यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन, दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है, चाहे पीपेट मेथड हो चाहे हाइड्रोमीटर मेथड हो। तो जब भी हम लोग अब बात क्या आ गया कि सोयल सस्पेंशन कैसे बनेगा, तो जब भी हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाने जाते हैं वहाँ पे दो मेथड, दो ट्रीटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं बनाने के प्रोसीजर में। तो फर्स्ट होता है प्री ट्रीटमेंट और सेकेंड होता है पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी बनाने के लिए सोयल सस्पेंशन बनाने के लिए प्री ट्रीटमेंट ही, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है प्री ट्रीटमेंट, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सोयल सस्पेंशन को तैयार कर लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट तो आज के लिए इतना ही, कल अगले लेक्चर में हम लोग फ्यूज देखतेंगे तो प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। तो एक्चुअली में प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जब भी हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाने जाते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड या कुछ ऐसे मटेरियल सोयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं जो अननेसेसरी फ्लॉक्स या कह सकते हैं क्लॉगिंग या एग्लोमरेशन एक्टिविटी ये जनरेट करने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको सही तरीके से साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिससे कि कोई भी इंग्रेडिएंट या कंपाउंड सोयल के अंदर ना रहे। यानी जब सोयल सस्पेंशन हम लोग बनाने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल एसिड से फ्री हो, ऐसे कंपाउंड्स ऐसे मटेरियल से फ्री हो जो सोयल का जो सस्पेंशन हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें क्लॉगिंग ना करे, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में गुच्छा बनाने के लिए काम ना करे। तो ऐसे कंपाउंड जो अननेसेसरी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं।
ऐसे कंपाउंड को सबसे पहले उसको बाहर निकालते हैं उस सोयल से, उसके बाद उस सोयल को क्या करते हैं सही तरीके से उसको साफ करते हैं डिस्टिल वाटर से, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको उसको क्या करेंगे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, ड्राई तक यह होना चाहिए, यह बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि उसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं है जो आपका एग्रीगेशन कर सकते हैं, जो पार्टिकल का गुच्छा बना सकते हैं या कह सकते हैं फ्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जब हम लोग फिल्टर करके या ड्राई कर लिए हैं तो पूरी तरीका से एसिड से फ्री है, ऐसे कंपाउंड से फ्री है जो फ्लॉक बना सकते हैं या ऐसे कंपाउंड से फ्री है जो पार्टिकल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी इस तरह से हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब भी सोयल जब ड्राई कर रहे हैं फिल्टर करके डिस्टिल वाटर से धो करके, तो अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्री ट्रीटमेंट में कौन कौन से कंपाउंड्स को हम लोग रिमूव करते हैं और पोस्ट ट्रीटमेंट में कौन सी एक्टिविटी हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे कि जो अननेसेसरी कंपाउंड्स सोयल सैंपल के अंदर मिक्सअप होते हैं और उसको दूर करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट में बेसिकली यही करते हैं और इसी ट्रीटमेंट के दौरान ही हम लोग क्या करते हैं सोयल सस्पेंशन को कलेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं अच्छी तरीके से और उसी सोयल सस्पेंशन के ऊपर हम लोग टेस्टिंग करने लगते हैं करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं या हाइड्रोमीटर मीटर जो है ये अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।